नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमन कुमार और इस वीडियो में हम जानेंगे अबाउट द लोकस्ट अटैक दैट इंडिया इज राइट नाउ फेसिंग। दिस पर्टिकुलर वीडियो विल बी हाईली बेनिफिशियल फॉर ऑल दोज पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड इन पर्टिकुलरली द सिविल सर्विसेज एग्जाम। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया एक तरीके के ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, एक तरीके के डिजास्टर को फेस कर रहा है इस समय बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस। एट द सेम टाइम एक और नई ट्रबल खड़ी हो गई है बिकॉज ऑफ द लोकस्ट अटैक। नाउ लोकस्ट, जिसको हिंदी के अंदर टिड्डी भी कहा जाता है, दे बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ ग्रास हॉपर्स विच इज कॉल्ड एज एक्रीडिडे। एक्रीडिडे में 10,000 से लेके 11,000 तक की स्पीशीज पाई जाती हैं, जिसके अंदर एक ग्रुप ऑफ स्पीशीज को लोकस्ट कहा जाता है। ना लोकस्ट और ग्रास हॉपर्स में दो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ होती हैं, मगर एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि ग्रास हॉपर्स अक्सर जंप करते हैं इन ऑर्डर टू मूव। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज हॉपर्स, दे आर कॉल्ड एज ग्रास हॉपर्स। ऑन द अदर हैंड, लोकस्ट कैन फ्लाई अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर पर डे। एक ही दिन में 150 किलोमीटर तक का फासला तय करती हैं लोकस्ट एट अ स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर टू 19 किलोमीटर पर आवर। लोकस्ट की डिफरेंट स्पीशीज वर्ल्ड के ऑलमोस्ट हर कॉन्टिनेंट पे पाई जाती है एक्सेप्ट फॉर नॉर्थ अमेरिका एंड एंटार्क्टिका। इस लोकस्ट अटैक में ऑलरेडी राजस्थान का ऑलमोस्ट 5 लाख हेक्टेयर की क्रॉप्स बर्बाद हो चुकी हैं। अक्सर लोकस्ट अटैक इंडिया में जुलाई से अक्टूबर के बीच में हुआ करते थे, मगर क्योंकि इस साल ज़्यादा साइक्लोन और स्ट्रॉम की कंडीशंस बनी हुई है बिकॉज देर इज़ अ लो विंड प्रेशर ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसके कारण लोकस्ट की माइग्रेशन को मदद मिल रही है ड्यू टू हैवी विंड्स टूवर्ड्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसीलिए इस साल लोकस्ट अटैक थोड़ा जल्दी हुआ है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। देखिए, यूं तो लोकस्ट अटैक इंडिया के अंदर अक्सर होते हैं, जिसके अंदर प्राइमरली नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स एंड मेनली राजस्थान इसको फेस करता है। बट दिस पर्टिकुलर अटैक इज कंसिडर एज वन ऑफ द मोस्ट सीवियर अटैक दैट इंडिया हैज़ फेस्ड इन द लास्ट 30 ईयर्स। लास्ट के 3 दशकों में सबसे सीवियर अटैक इसको माना जा रहा है, जिसने ऑलरेडी 8 स्टेट को अपनी चपेट में ले लिया है। एंड दीज स्टेट्स आर प्राइमरली राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। इसके साथ साथ सदर्न के स्टेट्स जैसे कि तेलंगाना और तमिलनाडु में भी वार्निंग इशू कर दी गई है, जिसके लिए अब ये स्टेट्स अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं इन ऑर्डर टू टैकल दिस प्रॉब्लम। सो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, लोकस्ट इज अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज दैट बिलोंग्स टू एक्रीडिडे फैमिली। ये एक तरीके का ग्रुप है कुछ स्पीशीज का जो कि एक्रीडिडे फैमिली को बिलोंग करता है। इस ग्रुप में मेजरली 10 डिफरेंट स्पीशीज आती हैं लोकस्ट की, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जिसपे हम ज्यादा और बात करेंगे वो है डेजर्ट लोकस्ट, सेकेंड इज कॉल्ड एज बॉम्बे लोकस्ट, थर्ड इज माइग्रेटरी लोकस्ट, देन इटालियन लोकस्ट, मोरक्कन लोकस्ट, रेड लोकस्ट, ब्राउन लोकस्ट, साउथ अमेरिकन लोकस्ट, ऑस्ट्रेलियन लोकस्ट एंड द ट्री लोकस्ट। In this particular video, we will mainly emphasize on the different characteristics and the different aspects of desert locust. जो recent attack India इस समय पे face कर रहा है, that is because of the desert locust. Desert locust world के tropical region में जो semi-arid या desert regions होते हैं वहां पाए जाते हैं। Desert locust breeding के लिए अक्सर कम vegetation की जगहों को ढूंढते हैं। जहां पे ज्यादा वेजिटेशन नहीं होती, वहीं पे जो फीमेल डेजर्ट लोकस्ट होती है वो एक बार में 80-90 eggs देती है, जिसको वो 10 से 15 सेंटीमीटर नीचे सॉइल के दबा देती है। एक डेजर्ट लोकस्ट की लाइफ 3 से 5 महीने तक की हो सकती है, जहां पे ये 3 different stages से गुजरता है। पहली स्टेज कहलाती है यंग स्टेज, जहां पे इसके बॉडी का कलर ब्राउन होता है और ये अकेला जीवन मतलब कि सॉलिटरी लाइफ जीता है। सेकंड स्टेज कहलाई जाती है एडल्ट स्टेज, जहां पे इसके बॉडी का कलर धीरे धीरे पिंक हो जाता है। इस समय पे ये ग्रुप्स बनाना शुरू करते हैं और अक्सर इनके ग्रुप्स को स्वार्म कहा जाता है।
ये इतने बड़े होते हैं कि इनको नंबर्स में एक्सप्लेन करना या नंबर्स में डिस्क्राइब करना मुश्किल होता है, इसीलिए इनको किलोमीटर्स के अंदर डिस्क्राइब किया जाता है। लास्ट स्टेज होती है मैच्योर स्टेज, जहाँ पे इनके बॉडी का कलर येलो हो जाता है और फिर से इनकी लाइफ सॉलिटरी हो जाती है, मतलब ये ग्रुप छोड़ के अकेला जीवन जीना शुरू करते हैं। अक्सर एक डेजर्ट लोकस्ट का ग्रुप जो कि एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला होता है, उसमें 4 से 5 करोड़ तक डेजर्ट लोकस्ट पाए जा सकते हैं। ये इतने ज़्यादा होते हैं कि 35,000 लोगों का खाना साफ कर जाते हैं। मगर इतने बड़े ग्रुप होने के बावजूद भी डेजर्ट लोकस्ट का स्वार्म या उसका ग्रुप वेदर सैटेलाइट्स के थ्रू ट्रैक नहीं किया जा सकता। इसको ट्रैक करने के लिए अक्सर डिफेंस की हाईली सोफिस्टिकेटेड सैटेलाइट्स का यूज़ किया जाता है या फिर मैनुअल सर्वेस करवाए जाते हैं, जिसकी रिपोर्ट्स अक्सर एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ शेयर करती है। नेक्स्ट है हाउ टू कंट्रोल द लोकस्ट अटैक। सो यूजुअली लोकस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए मैलेथियन का यूज किया जाता है, जो कि एक टाइप की ऑर्गेनोफॉस्फेट केमिकल पेस्टिसाइड है। मैलेथियन कई कंट्रीज के अंदर बैन भी है, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम लोकस्ट इट इज ऑल्सो पॉइजनस टू ह्यूमंस। अगर थोड़ी मात्रा से ज्यादा मैलेथियन हमारी बॉडी में चली जाए तो इट कैन डैमेज अवर वाइटल ऑर्गन्स। इसीलिए एज एन ऑल्टरनेटिव एक बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है जो कि फंगल बेस्ड होती है। इसका नाम है मेटारिजियम एक्रीडियम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस लोकस्ट अटैक को डील करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनाइटेड किंगडम को 60 स्प्रे का ऑर्डर दिया है। एट द सेम टाइम 53,000 लीटर ऑफ मैलेथियन हैज बीन ऑर्डर्ड बाय द गवर्नमेंट। ड्रोन्स का भी यूज किया जाएगा इन ऑर्डर टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ डेजर्ट लोकस्ट। हाउएवर एट द सेम टाइम स्टेट गवर्नमेंट्स विल ऑल्सो नीड टू मोबिलाइज देयर ओन रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू टैकल दिस सिचुएशन। अब बात करते हैं लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन की। लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन 1939 में इंडिया में एस्टैब्लिश किया गया था बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। 1946 में इसको डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन एंड स्टोरेज के साथ में मर्ज कर दिया गया, विच इज अ अटैच्ड ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन एक पर्टिकुलर रीजन को फोकस करती है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज शेड्यूल्ड डेजर्ट एरिया। शेड्यूल्ड डेजर्ट एरिया एक 2.05 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है, जो कि राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के कई डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर फरीदाबाद में है, एंड एट द सेम टाइम देर आर वेरियस फील्ड ऑफिसेस इन राजस्थान, गुजरात एंड हरियाणा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम का लिंक है ट्रस्ट IAS ग्रुप, और हमारे फेसबुक पेजेस दैट इज द ट्रस्ट IAS एंड आशीष कुमार इंडियन पॉलिटी को लाइक कीजिए। इस वीडियो की सारी PDF को डाउनलोड करने के लिए विजिट कीजिए www.trustis.com पे।